दोस्तों, हालांकि मंगल ग्रह पृथ्वी से छोटा है, लेकिन ये कई मायनों में पृथ्वी जैसा ही है। उदाहरण के तौर पर यहाँ के ध्रुवीय पोल पृथ्वी की ही तरह बर्फ से ढके हुए हैं। यहाँ कभी नदियों के बहने के चिन्ह भी पाए गए हैं। मंगल के मैदानी जगहों का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से -60 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। हम पृथ्वी पर -30 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में रहते आए हैं, तो ऐसे में -60 डिग्री सेल्सियस में भी हम किसी तरह से गुजारा कर ही सकते हैं। सौर पैनल्स का उपयोग करने के लिए इस ग्रह पर पर्याप्त मात्रा में धूप भी उपलब्ध है। मंगल का गुरुत्वाकर्षण बल भी हमारी पृथ्वी का 38% है। इतना गुरुत्वाकर्षण बल इंसानों के रहने के लिए पर्याप्त माना जा सकता है। मंगल ग्रह पर एक पतला वायुमंडल भी मौजूद है, जो हमें सूर्य के हानिकारक किरणों से सुरक्षा प्रदान कर सकता है। एक वैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार किसी जमाने में मंगल ग्रह पर पानी और हवा दोनों ही पर्याप्त मात्रा में हुआ करते थे। अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाने में मंगल ग्रह पृथ्वी जितना ही समय लेता है, इसलिए यहाँ एक दिन भी लगभग 24 घंटे का ही होता है। तो हम ये मान सकते हैं कि पृथ्वी के बाद मंगल ग्रह हमारे रहने के लिए नया घर बन सकता है। लेकिन ये कैसे होगा? नासा की खोज इस बारे में क्या कहती है? पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, ब्रह्मांड इतना बड़ा और विशाल है कि हमारी पृथ्वी का अस्तित्व उसके सामने केवल एक मामूली से कण के ही समान है, और ब्रह्मांड से आती कोई भी आफत पल भर में इस पृथ्वी का खात्मा कर सकती है। अतीत में डायनासोर जैसे बड़े जीवों का भी इसी तरह से पृथ्वी से सफाया हो चुका है। इसलिए हमारे पास पृथ्वी के अलावा भी कोई ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ आवश्यकता पड़ने पर हम कुछ मानवों को भेजकर मानव जाति के संपूर्ण विनाश को रोक सके। यही वजह है कि मंगल पर जाना हमारे आने वाले भविष्य के लिए बेहद ही अधिक आवश्यक कहा जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हाल ही में जब भारत चांद पर कदम रख चुका है, तो पहले चांद पर ही इंसानी बस्तियां क्यों नहीं बसाई जा रही? तो दोस्तों, चांद पर इंसानी जीवन के लिए बहुत ही कम संसाधन हैं। चंद्रमा पर एक दिन भी लगभग एक महीने के बराबर ही होता है। दूसरा, यहाँ सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेज को रोकने के लिए कोई भी वातावरण नहीं है। पृथ्वी के मुकाबले में चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल सिर्फ 16% ही है, जो हम इंसानों के शरीर के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। एक और ग्रह जो पृथ्वी के पास है और कई बार इंसानी बस्ती बसाने की चर्चा में रहा है, वो है वीनस, यानी शुक्र ग्रह। लेकिन दोस्तों, शुक्र ग्रह का तापमान 400 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक है। यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड की लगातार बारिश होती रहती है, यानी यहाँ भी चंद्रमा की तरह ही इंसानों का बसना किसी भी रूप में संभव नहीं है। कुछ वैज्ञानिक शनि के उपग्रह टाइटन का जीवन की संभावना के लिए जिक्र करते हैं। माना जाता है कि टाइटन पर पृथ्वी की तरह ही नदियां और समुद्र हैं, परंतु वैज्ञानिक बतलाते हैं कि इन नदियों में पानी नहीं बल्कि तरल मीथेन बहती है, और यहां तापमान भी -170 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। सो यहां किसी भी सूरत में इंसान जीवित नहीं रह सकता। यानी अगर पृथ्वी से बाहर कहीं मानव जा सकता है, तो फिलहाल उसके लिए मंगल ग्रह को ही सबसे उपयुक्त माना जा सकता है। लेकिन दोस्तों, ये इतना भी आसान नहीं होगा। काफी मेहनत लगेगी मंगल को इंसानों के रहने लायक बनाने में। सबसे पहले मंगल को इंसानी जीवन के अनुकूल ढालना होगा, और एक पूरे के पूरे बंजर ग्रह को रहने योग्य बनाना होगा। मंगल पर पानी तो है, और इस ग्रह को गर्म रखने के लिए एक अच्छा वातावरण भी है, लेकिन मंगल ग्रह के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की भरमार है। इसका वातावरण भी इतना पतला है कि बगैर स्पेस सूट के भारी दबाव के कारण हमारे फेफड़े फट जाएंगे। इसके अलावा मंगल के पास अपनी कोई चुंबकीय शक्ति भी नहीं है, जिसकी वजह से सूर्य की हानिकारक किरणें मंगल पर सीधी पड़ती हैं। यानी अगर हमें मंगल पर जाना है, तो हमें बहुत सारी तैयारी करनी पड़ेगी। हमारे वैज्ञानिक टेराफॉर्मिंग के द्वारा मंगल को पृथ्वी जैसा बनाने की बातें कर रहे हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि हम परमाणु बम गिराकर मंगल ग्रह के ध्रुवीय क्षेत्रों में जमी हुई कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वहां के वातावरण में फैला दें, तो मंगल
का वातावरण काफी घना हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड की ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से मंगल ग्रह आज की तुलना में कहीं अधिक गर्म भी हो जाएगा। जैसे जैसे ये ग्रह गर्म होगा वैसे वैसे इसकी चुंबकीय शक्ति भी वापस आ जाएगी। उसके बाद कुछ खास बैक्टीरिया आदि मंगल ग्रह पर भेजे जा सकते हैं जो मंगल के वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर ऑक्सीजन बनाना शुरू कर देंगे। फिर केंचुए जैसे जीवों को मंगल पर भेजकर इस ग्रह की मिट्टी को उपजाऊ बनाया जा सकता है। पानी की मात्रा बढ़ाने के लिए भी किसी तरीके से कुछ उल्का पिंडों या धूमकेतुओं का रुख मंगल ग्रह की ओर किया जा सकता है ताकि वो धूमकेतु इस ग्रह से टकराने के साथ साथ यहाँ पर पानी भी लेकर आएं। दोस्तों अतीत में इन्हीं घटनाक्रमों के चलते ही हमारी पृथ्वी पर जीवन पनपा था। आज जो महासागर हमारी पृथ्वी पर मौजूद हैं उनमें पानी पृथ्वी से टकराकर धूमकेतु ही लेकर आए थे। जिस ऑक्सीजन में हम सांस ले रहे हैं वो भी बैक्टीरिया द्वारा ही निर्मित की गई थी। लेकिन हाँ, पृथ्वी पर यह सब प्राकृतिक रूप से हुआ था जबकि मंगल पर यह सब इंसानों को खुद से करना पड़ेगा। दोस्तों टेस्ला के मालिक इलन मस्क ने कब से मंगल ग्रह की एक तरफा सफर की तैयारी शुरू कर दी है। उनका दावा है कि वो 2026 तक मंगल ग्रह पर अपने कुछ साथियों के साथ जाएंगे और वहां इंसानी बस्ती बसाएंगे। वैसे दोस्तों इलन मस्क जैसे दूरंदेशी आदमी के साथ कुछ ना कुछ अफवाहें जुड़ी रहती हैं। जैसे उनके मार्स पर इंसानी बस्ती बसाने को लेकर ये कहा जाने लगा है कि क्योंकि वो हमेशा मंगल के एक तरफा सफर की ही बात करते हैं तो का मतलब ये है कि वो मंगल ग्रह पर जाने के बाद वापस पृथ्वी पर नहीं आना चाहते। इन अफवाहों का मानना है कि इलन मस्क जानते हैं कि 2027 में पृथ्वी पर कोई भारी तबाही आने वाली है जिससे यहाँ जीवन पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। इसीलिए इलन मस्क पहले ही इस धरती को छोड़कर मंगल ग्रह पर बसना चाह रहे हैं। चलिए छोड़िए इन अफवाहों को, जिन्हें जीवन में आगे बढ़ना है वो इलन मस्क की तरह बिना किसी की परवाह किए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं। दोस्तों अगर अभी तक हुए मार्स मिशन्स पर नजर डालें तो 1976 में जब नासा के वाइकिंग ऑर्बिटर 1 ने पहली बार मंगल ग्रह की तस्वीरें ली तो वहां पिरामिड और एक बहुत बड़ा इंसानी चेहरा नजर आया। इन तस्वीरों से पूरे विश्व में तहलका मच गया। मंगल पर एलियंस होने की बातें आम होने लगी। फिर वर्ष 1998 से लेकर 2001 तक आधुनिक कैमरों से मंगल ग्रह की तस्वीरों को पुनः लिया गया तो पता लगा कि इंसानी चेहरा और पिरामिड एक्चुअली पहाड़ी टीले थे। ये पिरामिड जैसी चट्टानें मिस्र के पिरामिडों की भांति ही एक लाइन में हैं। जब वैज्ञानिकों ने मंगल के इन चट्टानों की जाँच की तो उन्होंने पाया कि ये पिरामिड किसी पेंटागन की तरह ही बने हुए हैं। प्राकृतिक रूप से ऐसी संरचना का निर्माण होना संभव नहीं है। साथ ही नासा के दूसरे रोवर जैसे स्पिरिट और अपॉर्चुनिटी के द्वारा पाया गया कि मंगल कभी गीला था और वहां सूक्ष्म जीवी जीवन भी था। हाल ही में नासा का नया रोवर प्रिजर्वरेंस मंगल ग्रह पर उतरा जिसका मुख्य उद्देश्य मंगल ग्रह के एनवायरनमेंट को समझना था। मंगल ग्रह पर आने वाली आंधियां, भूकंप और वहां की मिट्टी में पानी की मौजूदगी के बारे में ज्यादा बेहतर तरीके से जानना भी इस मिशन का एक मकसद था। दोस्तों अब तक की खोजों से ये तो लगता है कि मंगल पर कभी जीवन रहा होगा, परंतु लाखों साल पहले घटित हुई किसी घटना से मंगल का खूबसूरत वातावरण नष्ट हो गया। नासा की खोजबीन के दौरान मंगल पर रेडियम, थोरियम और जीनन 129 जैसी रेडियोएक्टिव गैसों की मौजूदगी भी मिली है। ये गैसें आमतौर पर प्राकृतिक रूप से नहीं मिलती बल्कि हाइड्रोजन बम के भयंकर विस्फोट के कारण बनती हैं। यही वजह है कि कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि कभी मंगल ग्रह पर कोई आधुनिक एलियन सभ्यता रही होगी। इस सभ्यता के लोगों ने आपस में ही परमाणु युद्ध करके एक दूसरे को समाप्त कर दिया होगा। लेकिन इन सभी संभावनाओं से अलग आज हम इंसान मंगल ग्रह पर बस्ती बनाने की सोच रहे हैं। ये भी हो सकता है कि मंगल के वातावरण के अनुकूल किसी और तरीके का जीवन वहां पर मौजूद हो। आने वाले कुछ साल इस दिशा में काफी महत्वपूर्ण और एक्साइटमेंट से भरे होंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलेंगे मंगल ग्रह की किसी बस्ती में। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि आपका कोई दोस्त इस जानकारी से वंचित ना रह जाए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।